हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अनदर न्यू सेशन ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के डिफरेंट क्वेश्चंस जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और हमको प्रैक्टिकली उसका नॉलेज होना चाहिए, जो कि बेसिक नॉलेज है, जो किसी भी आईआईटीज में या फिर हमारे एक्सपर्टाइज को कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच से बिलोंग करते हैं, तो हमको पता होना चाहिए। एक इंजीनियर के नाते हमको जिन क्वेश्चंस का आंसर पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस हम इस सेशंस में लेते हैं और उन क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। स्टूडेंट बहुत ही कंसर्न है आप सभी, मुझे पता है अपने गेट के पढ़ाई में, आप अपने एमटेक के जो एडमिशन है उसके लिए भी कंसर्न होना आपको पड़ेगा, क्योंकि वहीं से आपको सारा चीज मिल पाएगा जो आप प्लान कर रहे हैं अपने लिए। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, 10 मिनट लगता है, सुन लेंगे और काफी स्टूडेंट्स बेहतरीन आंसर करते हैं। कमेंट में मुझे दिखता है, मैं कमेंट में नोट छोड़ता हूं हमेशा और उस नोट के बाद ही मैं एक्सप्लेनेशन के लिए आता हूं। चलिए देखते हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्वेश्चन लिया था। व्हाई कांट ए मटेरियल विद ए बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड बी यूज्ड एज ए बैटरी। इसका मतलब है हमको एक मटेरियल के बारे में सोचना पड़ेगा। बेयर थॉट जो हमारे दिमाग में आता है जब हम एक मटेरियल जिसमें बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोचते हैं, तो पहला मटेरियल हमारे पास सेमीकंडक्टर से बना हुआ पीएन जंक्शन डायोड का आता है। और जितने भी स्टूडेंट ने आंसर किया है कमेंट बॉक्स में, उन्होंने सारे स्टूडेंट ने ही उसी पीएन जंक्शन डायोड के रेफरेंस में ही अपने आंसर को जस्टिफाई करने की कोशिश की है। काफी लोगों ने फर्मी लेवल के थ्रू आंसर करने की कोशिश की है। रीजन कोई भी हो, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सिर्फ जो इंटरव्यू आपसे डिमांड करता है, आपसे एक्सपेक्ट करता है, अगर आप उतना बता देंगे तो डेट इज इनफ, उनको समझ में आ जाता है कि आपको आता है। तो बहुत सारा समय हमको नहीं लेना है, फटाफट से हम इस क्वेश्चन को आंसर इंटरव्यू में भी बताना है और यहां पर भी सॉल्व करना है। जिन लोगों ने आंसर किया उसमें सबसे सही आंसर मुझे लक्की का और सुमेंद्रो का लगा और बहुत ही प्रॉपर उन्होंने एक्सप्लेन किया है। बाकी सभी ने अपना प्रयास बेहतरीन किया है, आशीष ने भी किया है, लेकिन कुछ कुछ प्रॉपर आंसर नहीं होने की वजह से मैंने कुछ कमेंट वहां पे अपना नोट छोड़ दिया है, आप प्लीज उसको रीड कर लीजिएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा बैटरी एक्चुअली क्या करता है जो बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कर पाता। तो अगर आप बैटरी को इन जनरल सर्च करेंगे गूगल में, तो आपको कुछ एक्सप्लेनेशन बैटरी के बारे में मिलेगा, लेकिन आपको क्या लिखना है, व्हाट बैटरी डू, बैटरी एक्चुअली क्या करता है। तो हम आजकल लिथियम आयन की बैटरी यूज करते हैं, हमारे मोबाइल में भी बैटरी है और हम जब मोबाइल को यूज करते हैं तो वो बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है, जिससे हम इरिटेट होते हैं, फिर से उसको चार्ज करते हैं। तो ये चार्ज डिस्चार्जिंग क्या है और बैटरी डिस्चार्ज होने से हमारा मोबाइल बंद क्यों हो जाता है? सिर्फ सिंपल सा रीजन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाता है और कहां पे जो छोटे छोटे आईसीज उसमें लगे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुकने की वजह से वो आईसीज जो है वो वर्क करना बंद कर देते, बैटरी डिस्चार्ज होने से मोबाइल बंद हो जाता है। एकदम एकदम बेसिक थॉट है, एकदम बेसिक नॉलेज है, दुनिया में सबको पता होगा। मैं इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहा हूं, सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं। ए बैटरी इज ए डिवाइस दैट स्टोर्स केमिकल एनर्जी एंड कन्वर्ट्स इट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे अभी आप सर्च करेंगे तो लिथियम आयन बैटरी मिलेगा। शुरू में जो बैटरीज आए थे वो कॉपर और जिंक से बना हुआ बैटरी था, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग उसमें कैसा होता था, थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन मैं यहां पे दूंगा, आप देख लेना। लेकिन यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि जो केमिकल रिएक्शंस जो हमने यहां पे लिखा है ना, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना, ये केमिकल एनर्जी को वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस इस बैटरी के में होता है, वो केमिकल रिएक्शन से एक्चुअली हमको क्या मिलता है? द केमिकल रिएक्शन इन द बैटरी इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, फ्रॉम वन मटेरियल इलेक्ट्रोड टू अनदर, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में जाता है थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू जाता है, इंटरनली नहीं जा पाता। मेरे जो सेशंस अटेंड करते हैं उनको मैं हमेशा बताता हूं कि नेगेटिव को पॉजिटिव से प्यार होता है, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल या फिर इंसुलेटर मटेरियल बैटरी में लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से डायरेक्टली नेगेटिव पॉजिटिव के पास नहीं जा पाता। उस कंडीशन में उसको एक एक्सटर्नल वायर की जरूरत पड़ती है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाता है, देखेंगे अभी। तो यहां पे फिर से मैंने लिखा है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड्स एन इलेक्ट्रिक करेंट दैट कैन बी यूज्ड टू डू वर्क। तो ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये बड़ा एसेंशियल है, जिसकी वजह से ही हमको इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, क्योंकि करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और उसी की वजह से हम बैटरी के थ्रू वर्क करवा पाते हैं। तो मतलब सिंपल है कि अगर ये बोल रहा है कि क्यों हम यूज नहीं कर पाते, वो खुद ही बोल रहा है कि वाई कांट ए मटेरियल विथ ए बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी यूज्ड एज ए बैटरी। इसका मतलब है
यहां पे जो कांट लिख दिया है कैन नॉट मतलब वो यूज नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है वहां पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो हमको क्या आंसर करना है, जब हमको वन वर्ड या फिर वन स्टेटमेंट में आंसर पूछेगा तो मुझे डायरेक्टली आंसर यही करना होता है कि सर वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो पाता, किसमें, जब हम बिल्ट इन पोटेंशियल या फिर बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल में, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं है तो करंट एग्जिस्ट नहीं करता, अगर करंट एग्जिस्ट नहीं करता तो हम उसको बैटरी की तरह यूज नहीं कर पाते। तो कुल मिला के मैं यहां पे ये बोलना चाहता हूं कि बेसिकली वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करें, हमारे पास मान लीजिए एक बैटरी है और जो इनिशियली बैटरी बना था उसमें हम यहां पे यूज करते थे जिंक और इस जिंक का ऑक्सीडेशन होता था, थोड़ा सा आप बेसिक में जाएंगे और यहां पे हम एक मटेरियल यूज करते थे डेट इज नथिंग बट ए डाइइलेक्ट्रिक जो इन दोनों के बीच में एक रोड़ा की तरह काम करता था और यहां पे हम यूज करते थे डेट इज कॉपर और ये कॉपर जो है यहां पे रिडक्शन होता था, इसका केमिकल रिएक्शन है ना दोनों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इन दोनों के बीच में एक वायर है, इस वायर में आप कुछ भी लगा दो तो डेफिनेटली मान लीजिए हम एक बल्ब लगा दिए तो वो बल्ब जो है वो ग्लो करने लगता है, एकदम सिंपल सा रीजन कि बल्ब जो है वो करने लगेगा, क्या ग्लो करने लगेगा। तो आई जस्ट टेक दैट पार्ट हेयर, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको ये प्रॉपर आइडिया रहे। तो मैंने यहां पे एक बल्ब लगाया और ये बल्ब जो है ये ग्लो करने लगा, इसका कारण ये है कि इसके थ्रू हमारा फिलामेंट में चार्ज जा रहा है जिस चार्ज की वजह से ये ग्लो कर रहा है। तो कुल मिला के यहां पे क्या हो गया, कहानी ये है कि हमको यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स की नीड पड़ी और वो इलेक्ट्रॉन्स का सप्लायर जो है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी होता है। तो ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी ड्यू टू ऑक्सीडेशन इन जिंक है ना, ये हमको क्या सप्लाई करने लगता है, ये हमको इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई करने लगता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके अंदर से गया और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से गया, किसके पास गया, ये अल्टीमेटली पॉजिटिव, नेगेटिव निकला है तो डेफिनेटली पॉजिटिव की ओर जाएगा और उसके बीच में अगर बल्ब लगा है तो बल्ब के फिलामेंट में हमारा चार्ज गया जिसकी वजह से बल्ब ग्लो किया। तो हमारा क्या हो गया, यहां से नेगेटिव, यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकल के गया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहां पहुंच गया, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंच गया। तो यहां पर धीरे धीरे किसकी कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई और इलेक्ट्रॉन्स कहां पहुंच गया, इधर पहुंच गया। तो डेफिनेटली हमको क्या करना पड़ता है, फिर से जब बैटरी को हम फिर से रिचार्ज करते हैं, बैटरी चार्जिंग के लिए आप उसको सॉकेट में डालते हैं ना मोबाइल को, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उस कंडीशन में आपका मोबाइल तो वर्क नहीं करता, ये इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली यहां से फ्लो करता है, वापस से इधर आता है, पूरी इधर पे चार्ज फिर से भरती है और इस तरीके से पूरा वर्क होता है। तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। तो मैंने यहां पर लिखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, मैं बैटरी के पूरे वर्क पे नहीं जा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना बहुत जरूरी है और अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना रुक गया तो डेफिनेटली करंट नहीं फ्लो होता है जिसकी वजह से हमको कोई भी डिवाइस जो है वो वर्किंग कंडीशन में एनर्जी नहीं मिलती, वर्किंग कंडीशन में नहीं मिलता। तो बेसिकली यहां पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं जिसकी वजह से ही ये पॉसिबिलिटी हो पा रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक डायोड में क्या पॉसिबिलिटी है, यही वो डायोड है जिसमें आपने कंसंट्रेशन डिफरेंस रखा था, यहां पे एक्सेप्टर एटम से डोपिंग किया था, यहां पे डोनर एटम से डोपिंग किया था, जिसकी वजह से यहां पे एक पोटेंशियल डेवलप हुआ जिसको हम के टी अपन क्यू एल एन उसके बाद एन डी इंटू एन ए डिवाइडेड बाय एन आई स्क्वायर हम लिखते हैं, ये आपका फॉर्मूला हो गया और यही पोटेंशियल जो है वो इन दोनों के बीच में अवेलेबल होता है। यहां पर आप देख सकते हैं कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर होल्स अवेलेबल नहीं है, So, मैं यहां पे लिख दिया नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा चार्ज जो होता है नो होल्स, ये दोनों में से कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अगर दोनों में से कुछ भी अवेलेबल नहीं है और आप ये बोल रहे हैं कि ये तो एरिया न्यूट्रल है, ये एरिया न्यूट्रल है ना, क्योंकि यहां पर नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव दिख रहा है ना, ये होल्स पॉजिटिव है, कोई चार्ज यहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये एरिया भी क्या है, ये न्यूट्रल है, यहां पर भी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन बैटरी के रूप में किस जगह से है, इस डिप्लीशन रीजन से है कि ये डिप्लीशन रीजन बैटरी की तरफ वर्क क्यों नहीं करता। तो मैंने बोला कि यहां पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ना तो कोई होल्स है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन वो फ्री नहीं है, मूवमेंट नहीं हो सकता, ठीक है, मूवमेंट नहीं हो सकता। उसका कारण और भी है क्योंकि कल हम लोगों ने देखा कि फर्मी लेवल सेम है, एनर्जी का डिफरेंस नहीं है, जैसे पानी जो है वो सेम लेवल पे है तो पानी में मूवमेंट नहीं हो सकता, उसी प्रकार
यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं हो पा रहा है तो अगर आप यहां पे कुछ भी लगा दें, एक बल्ब भी लगा दें, तो ये बल्ब में इलेक्ट्रॉन्स का जो इलेक्ट्रॉन्स जो प्रीवियसली आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो फिलामेंट में चार्ज जा रहा है जिसकी वजह से लाइट ग्लो कर रहा है, यहां पे तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैंने आपको वोल्टेज के बारे में बताया, साइड में इसमें करंट के बारे में लिखेंगे तो करंट जो है वो अगर आप टोटल करंट निकालेंगे तो यहां पे ड्रिफ्ट करंट, एक सेमीकंडक्टर में ड्रिफ्ट प्लस डिफ्यूजन के एडिशन से ही करंट डेवलप होता है, और यहां पे इन दोनों की वैल्यू जीरो है ना, ड्रिफ्ट करें यहां पे इन दोनों का टोटल वैल्यू जो है वो जीरो है। इसका मतलब है कि हम यहां पे एक स्लाइड ले, इसका मतलब है कि यहां पे एक्चुअली में कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से डिफ्यूजन फ्लो हो रहा था, लेकिन एग्जैक्टली उसी अनुपात में उसी सेम वैल्यू से एक ड्रिफ्ट करेंट फ्लो हो गया जिसकी वजह से आई टोटल जो है वो जीरो हो गया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट था। तो मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं है तो ओवरऑल यहां पे एक बैटरी के रूप में इसको यूज नहीं किया जा सकता। तो कुल मिला के एक डिवाइस जिसमें आपके पास बिल्ट इन पोटेंशियल है, उसके साथ साथ यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तब भी आप इसको एक बैटरी की तरह यूज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे करंट का मैग्नीट्यूड जीरो है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है नहीं। अगर आप यहां पे कोई बल्ब भी लगा दें तो दिस बल्ब विल नॉट ग्लो। सो कुल मिला के मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट पॉसिबल। लेकिन हम इसको फिर से एक नए तरीके से तैयार भी करते हैं, कैसे? अगर आप बात करें सोलार सेल की, ठीक है, सोलार सेल जो है वो भी सेमीकंडक्टर से बनता है ना। सोलार सेल की बात करें तो ये भी सेमीकंडक्टर से बनता है। अगर हम बात करें फोटोडायोड की, ये भी सेमीकंडक्टर से बनता है। लेकिन अभी मैं फोटोडायोड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सेल की बात कर रहा हूं। सेल मतलब क्या होता है? सेल मतलब होता है बैटरी, बैटरी। इसका मतलब है कि हम इसको फिर से यूज करते हैं। अगर हम इसको सोलार सेल के रूप में यूज करें तो क्या करना पड़ेगा? यहां पे सूरज जो है वो लगाए, लाइट यहां पे पड़ा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है यहां पे जनरेट हुए, जनरेशन का प्रोसेस हुआ। तो जो यहां पे नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नो होल्स लिखे थे वो फिर से आ गया। अब इसको आप एक बैटरी की तरह यूज कर सकते हैं, मतलब जिसकी कमी थी वो आ गई, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चालू हो गया, अब आप इसको एक लाइट को ग्लो करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपको यह पता चल गया होगा कि यहां पे हमारे पास मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है एक बैटरी का कि इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग था जिसकी वजह से आपका लाइट ग्लो नहीं कर रहा था। आप इसको सोलार सेल के रूप में यूज करेंगे तो जंक्शन में हम इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे से सेपरेट होता है, वो फ्लो करता है, लाइट को आप फिर से ग्लो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सोलार सेल को यूज करना पड़ेगा। तो दिस इज द बेसिक आइडिया। इसी वजह से बिल्ट इन पोटेंशियल में होने की वजह से भी हम किसी भी डिवाइस में को बैटरी की तरह यूज नहीं कर पाते, क्योंकि बैटरी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमको देता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं दे पाता क्योंकि यहां पे करंट की वैल्यू जीरो होती है। तो कुल मिला के जिसको बेसिक का नॉलेज है कि बैटरी क्या होता है, इसके अंदर बिल्ट इन पोटेंशियल होने के बावजूद एक्चुअली में करंट की वैल्यू जीरो होती है या फिर नहीं होती है, तो अगर इतना नॉलेज है तो आप आंसर कर जाओगे। तो आपको यह बोलना है कि सर बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड होने के बावजूद भी करंट की वैल्यू जीरो होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है जिसकी वजह से हम उस वहां पे बैटरी की तरह यूज नहीं कर पाते एक डिवाइस को। चलिए, ये तो हमारा हो गया प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर। आज एक और क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं, व्हाट इज मीन्ट बाय क्वासी न्यूट्रल रीजन। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था IISc बेंगलोर में जब स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए बैठे थे VLSI माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। तो यू जस्ट हैव टू आंसर क्वासी न्यूट्रल रीजन का मीनिंग आपके शब्दों में क्या है। इसके साथ साथ मैं आपको यह बता दूं कि प्रतिज्ञा बैच जो हमारा स्टार्ट होने वाला है 26 मई से, उसमें आपके सारे फेवरेट फैकल्टीज जो है वो आपको पढ़ाएंगे, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा डिटेल्स है वो भी मैं आपको बता दूं कि यहां पे आपको मिलने वाला ये कोर्स 26 तारीख तक 20,000 में, और उसके बाद आपको मिलेगा यही 30,000 में। तो आप एक वाइज डिसीजन ले ताकि आप फटाफट से उसमें रजिस्टर कर सके। क्लासेस जो है वो आपको उमेश ढांडे सर की मिलेगी, हमारे डायरेक्टर सर की, जिसका आप बहुत वेट कर रहे थे, जो आपके सबसे लवेबल है।
तो इनकी क्लास चालू हो जाएगी 26 से, आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के लिए प्रयास कर सकते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की। उसके अलावा संतन सर का पीएसए और सोनूलाल सर का कम्युनिकेशन आपको मिलेगा लाइव में, ठीक है। ये हो गया डब्ल्यूईसी और इंस्ट्रूमेंटेशन को एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास मिलेगी। इन क्लास को आप ले सकते हैं गेट अकेडमी लाइव क्लासेस ऐप से, और या फिर अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9713131156, या फिर मुझसे भी बात कर सकते हैं 9755662248 में। ओके, सो मीट यू टुमारो अगेन। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैंने आपको बता दिया कि सबसे अच्छा आंसर मुझे लकी का और सुमेंद्रो का लगा। सो कॉन्ग्रेट्स टू ऑफ द स्टूडेंट्स, आशीष आपकी भी ट्राई अच्छी थी, और बाकी स्टूडेंट्स को मैंने नोट भेजा है कि किस तरीके से उनको समझना चाहिए ये एक्सप्लेनेशन देखने के बाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, एंड प्रयास करते रहिए, अपना विजडम, अपना नॉलेज जो है वो इंक्रीज करते रहिए। एक अच्छे लेवल पे आपको जाना है, इंजीनियर है, अच्छे अच्छे इंजीनियर है, ये आपको प्रूफ करना है कहीं ना कहीं। बाय बाय।